तो आपको मैंने शीट्स में कुछ क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए। परचेज किया आपने गुड्स, गुड्स होते ही पहला अकाउंट आपको सेल में सिर्फ यही सेल करना है, बाकी हर बार परचेज सेल में सिर्फ सेल शब्द यूज करना है गुड्स के सेल में, बाकी हर बार गुड्स के लिए परचेज। तो परचेज एक है, हमें गुड्स क्या मानना है तो वो एक्सपेंस और इनकम का, लेकिन एसेट परचेज किया एसेट बड़ा डेबिट, ठीक है। और कैश में लिया तो दूसरा अकाउंट। तो जब भी ट्रांजैक्शन में आप देखते हो तो सिंपल है, अगर पेड रिसीव्ड वर्ड हुआ मतलब एक अकाउंट तो कैश है ही है। अब दूसरा आप इजीली फाइंड करो कि क्या बात है, किसकी बात चल रही है ट्रांजैक्शन। कैश अकाउंट एसेट का आइटम है, घट रहा है क्रेडिट, तो कितना 10,000 बरोबर क्या। चलो अगला, परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। तो यहां पे क्रेडिट है, तब क्रेडिट होता है तो किससे लिया है उसका नाम एक तो यूज करना, ठीक है। गुड्स तो है तो एक तो अकाउंट परचेज है ही, राम है, सिंपल है, राम से पैसे आने हैं क्या देने हैं, देने है मतलब लायबिलिटी का आइटम है। परचेज असेट का है, बढ़ रहा है लायबिलिटी बढ़ रही है, ये भी डेबिट और ये क्रेडिट, कितना 10,000 10,000, समझ में आया, सही है ये। अब मैंने नोट जब जब जरूरी है तब तब लिखा है नोट, नॉट गिवन वेदर इट इज कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड ऑल्सो द नेम ऑफ पर्सन इज नॉट गिवन, देन अज्यूम टू बी द कैश ट्रांजैक्शन, ना बोला है कैश ना बोला है क्रेडिट, और अगर पर्सन का नाम नहीं है उस ट्रांजैक्शन में तो उस ट्रांजैक्शन को कैश। इफ द नेम ऑफ पर्सन, इफ द नेम ऑफ पर्सन अपीयर्स टू बी क्रेडिट, अगर पर्सन का नेम अपीयर करता है तो क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000, क्या मानोगे कैश या क्रेडिट, कैश, ना कैश बोला है ना क्रेडिट, नाम है क्या नहीं है, तो नाम नहीं तो ये कौन सा है, परचेज असेट का आइटम है, बढ़ रहा है डेबिट, असेट बोला ना मैंने सॉल्व करने के लिए, एक्सपेंस माना तो अड़चन, इसके लिए असेट मानो, आया और गया की भाषा होगी, आया और गया। और एक कैश है असेट है, घट रहा है क्रेडिट, यहां पे कोई दिक्कत। सेम अगले वाले में परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम राम, वापस परचेज, और अब नाम है ना कैश है ना क्रेडिट है और नाम है राम, किसका आइटम है, बढ़ रहा है क्या, राम देना है क्या आना है, लायबिलिटी देना है, लायबिलिटी परचेज असेट बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट डेबिट, अमाउंट आपको समझ चुकी। डिस्पेट डिस्काउंट इन नेवर शोन इन द बुक्स, कैश डिस्काउंट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, इवन आप बैंक में पैसा दे रहे हो तो भी आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, और कैश में दे रहे हो तो भी आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, समझ में आ रही है क्या बात, यस। अगर आप कैश में पैसा दे रहे हो तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, बैंक के थ्रू दे रहे हो तो भी आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, और ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में जिक्र नहीं करना है। चलो फाइव, परचेज गुड्स ऑफ 10,000, कितने का परचेज किया इन कैश, ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तो गुड्स है बोले तो एक परचेज हो गया, गुड्स है बोले तो परचेज असेट बढ़ रहा है डेबिट, कैश असेट का आइटम है कम हो रहा है क्रेडिट, और डायरेक्ट 9,000 दिखाना है, ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड कर ही नहीं रहे, डायरेक्ट 10,000 में से 10% लेस, ओके। चलो परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, ट्रेड डिस्काउंट है, जो पैसा आया ही नहीं है उस पे कैश डिस्काउंट होता नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट पूरे पे होता है। ट्रेड डिस्काउंट तो मैंने आपको समझा भी दिया है क्या होता है, जो दिया जाता है लिस्ट प्राइस पे, याद है
लिस्ट प्राइस पे. लिस्ट प्राइस मतलब मैक्सिमम प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, ट्रेड डिस्काउंट. तो वो चाहे कैश हो या क्रेडिट हो, ट्रेड डिस्काउंट सब पे होता है. लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ जो पैसा दे रहे हो, चाहे कैश में दो या बैंक से दो, लेकिन जो नहीं दे रहे उस पे नहीं होगा. तो देखो, परचेज गुड्स अकाउंट एक परचेस, दूसरा राम. राम देना है क्या आना है? लायबिलिटी बढ़ रहा है. परचेस असेट बढ़ रहा है, डेबिट क्रेडिट. अमाउंट 9000 9000, बरोबर है क्या सबका? ओके, वेरी गुड. परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, पहला अकाउंट परचेस है, दूसरा बैंक है. असेट का है, बैंक कम हो रहा है. असेट का है, गुड्स बढ़ रहा है. डेबिट क्रेडिट 10000 10000, कोई डाउट? अब आगे देखिए, परचेज गुड्स ऑफ 10000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, कितने में परचेस किया? 10 डिस्काउंट फ्रॉम राम. हाफ द अमाउंट पेड इन कैश एंड हाफ बाय चेक. ठीक है, सबसे पहले अकाउंट देखिए कैसे फाइंड आउट होते हैं, सीधे सीधे. एक कैश बैंक और कैश डिस्काउंट, टोटल अकाउंट कितने हुए? 4. सबसे पहले लिखेंगे हम परचेस, किसका है? असेट का. बढ़ रहा है डेबिट, कितना है परचेस? 9000. फिर एक कैश अकाउंट है, असेट का है कम हो रहा है, क्रेडिट. ठीक है, उसके बाद बैंक अकाउंट है, असेट का है कम हो रहा है, क्रेडिट. फिर कैश डिस्काउंट है, डिस्काउंट मिल रहा है क्या दे रहे हो? मिल रहे हो, मतलब इनकम है, बढ़ रही है क्रेडिट. अब देखो, पैसा आने 9000, आधा कैश में आधा बैंक से. इस पे भी 5% देना ही है, इस पे भी 5% देना ही है. तो दोनों पे 5% निकाला तो कितना हुआ? 225 225, समझ में आया? दोनों पे डिस्काउंट 225 225. तो इसमें आपने पैसा दिया, आपका फायदा हुआ 4.5 का. फिर आपने कैश में कितना दिया? 225 हटा दिए तो 4275. तो ओके, कोई डाउट इसमें? क्लियर. परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक टू कैश डिस्काउंट. चलो, सेम अगले भी वैसे ही है. अब अगले में क्या है? परचेस गुड्स ऑफ 20000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब ये परचेस हो गया 18000 का फ्रॉम राम. हाफ द अमाउंट पेड इन कैश, रिसीव्ड 5%. आधा ही पैसा कैश में दिया है, तो बाकी अभी तक दिया नहीं है, मतलब देना बाकी है. एक हो गया परचेस, एक हो जाएगा परचेस अकाउंट, एक होता है असेट में, बढ़ रहा है डेबिट, कितना है? 18000. फिर कैश अकाउंट, असेट बट कम हो रहा है, क्रेडिट. राम अकाउंट, लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट. डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम बढ़ रही है, क्रेडिट. चलो, 18000 का आधा कितना होता है? और ये राम को कितना आना देना बाकी है? 9000. तो राम के इसमें लिख दो 9000 देना है इसको. अभी तक इसमें 5% डिस्काउंट निकाला आया, 450 8550. तो कैश में आपने दिया 8550 और हमारा डिस्काउंट मिला हमें 450 का फायदा. तो एंट्री हो रही है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू राम अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव 450. चलो, सेम परचेस ऑफ गुड्स 3000 एट 10% डिस्काउंट, 1/3 पेड इन कैश, 1/3 बाय चेक एंड रिमेनिंग 1/3 लास्ट में. तो अब इसमें देखो, परचेस तो है ही है, असेट का आइटम है, डेबिट बढ़ रहा है, तो कितना आएगा?
27,000 कितना आएगा 27, ठीक है। अब आपका आता है कैश अकाउंट एक, बैंक अकाउंट एक, राम अकाउंट एक और डिस्काउंट रिसीव कम हो रहा है, कम हो रहा है, असेट कम हो रहा है ना इधर, तो क्रेडिट क्रेडिट, राम लायबिलिटी का आइटम है बढ़ रहा है क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम का आइटम है बढ़ रहा है क्रेडिट। अब देखो पैसे देने अपने को 27,000, वन थर्ड, तो देना बाद में कितना है 9,000, तो राम में लिख देंगे हम 9,000, ये भी 9, ये भी 9, डिस्काउंट कितना है 5%, तो दोनों पे लगेगा कैश में भी और बैंक पे भी 8500, 8500, 8550 और डिस्काउंट 900, क्लियर। हाँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फोर्थ में परचेज गुड्स ऑफ 4,000 फ्रॉम 40,000 फ्रॉम राम, वन अमाउंट पेड इन कैश एंड वन फोर्थ बाय चेक एंड रिमेनिंग टू बी पेड लेटर, कोई दिक्कत? अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट इसमें बोला नहीं है, तो एंट्री आपको बताइए क्या आएगी। परचेज अकाउंट एक है, बढ़ रहा है असेट, डेबिट कितने से 40,000, उसके बाद एक तो बैंक है क्या, कैश है, बैंक है, अच्छा बैंक भी है कैश भी है, राम भी है ना, बैंक है कैश है, ये 40 है ना, हाँ चलो, और एक डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम का आइटम है बढ़ रहा है क्रेडिट, राम लायबिलिटी का आइटम है बढ़ रहा है क्रेडिट, बैंक असेट का आइटम है घट रहा है क्रेडिट, कैश असेट का आइटम है घट रहा है क्रेडिट। देखो आपको समझ में आ रहा है कि आप परचेस की एंट्री में सिर्फ परचेस डेबिट में आएगा, सब क्रेडिट में आ रहा है, ऐसा नहीं कि हम घट रहे, लेकिन समझ के लो क्वेश्चन, हमें आंसर फास्ट सॉल्व करने, क्या करने फास्ट सॉल्व करने। 40,000 देने हैं, वन फोर्थ टू फोर्थ, बाद में कितना देंगे 20,000 लिख दो राम में, 10,000 में डिस्काउंट कितना है 500 आया, 500 आया, तो अभी दे कितना रहे कैश में 9,500 और डिस्काउंट मिल गया 1,000, कोई डाउट इसमें, यहां तक कोई गलती, ओके वेरी गुड। चलिए गुड्स वापस अकाउंट आ गया, तो एक अकाउंट होगा आपका परचेस और ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, तो आप ड्रॉइंग भी लिख सकते हो या कैपिटल भी लिख सकते हो, ड्रॉइंग भी लिख सकते हो कैपिटल भी, किसका आइटम है लायबिलिटी, परचेस किसका आइटम है असेट, किसका आइटम है, मैंने क्या बोला है गुड्स के लिए परचेस वर्ड इंपॉर्टेंट है सिर्फ सेल के टाइम, सेल तो कुछ भी हो, ओनर लेके जाए, जल जाए, फ्री में बांट दो, कुछ भी हो, वर्ड परचेस, और परचेस की जगह ट्रेडिंग रिप्लेस हो जाता है, परचेस की जगह ट्रेडिंग रिप्लेस हो जाता है, सेल की जगह भी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए लायबिलिटी बढ़ रही है क्या घट रही है, ड्रॉइंग के कारण घट रही है, क्या करोगे, एसेट बढ़ रहा है क्या घट रहा है, परचेस गुड्स गया, देख इधर तेरा एक्सपेंस और इनकम करता है तो अड़चन, क्लिक नहीं होगा फास्ट, बहुत दिमाग चाहिए फिर, जो आपको धीरे धीरे आएगा, इसके लिए हमने उसको असेट माना और कम हो रहा है क्रेडिट, कितना है 5,000, ठीक है अमाउंट तो कोई इश्यू नहीं है आपको, ठीक है। चलिए अगला परचेज गुड्स वापस, एक परचेज अकाउंट है और गिफ्ट दोस्त को दिया, मतलब आपका पर्सनल है, या तो ड्राइंग लिखो या तो कैपिटल लिखो, या तो ड्राइंग लिखो या तो कैपिटल, लायबिलिटी का आइटम है घट रहा है डेबिट, परचेस असेट का आइटम है
घट रहा है क्रेडिट, असेट का आइटम है घट रहा है क्रेडिट, कितना आएगा? 5,000 हो गया। सेम परचेज ऑफ गुड्स 10,000 एंड अमाउंट पेड बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट, गुड्स परचेज अकाउंट तो एक हो ही गया, असेट बढ़ रहा है डेबिट। अभी पैसा ओनर ने दिया तो हमें ओनर का नाम लिखना, और हमारे बुक्स में ओनर का नाम क्या है? कैपिटल। किसने दिया वो पैसा? पर्सनली दिया उसने, किसने? ओनर ने, तो ओनर का ही नाम लिखेंगे, क्योंकि ओनर को वापस देना है कि नहीं देना? देना है, तो ओनर की जगह कैपिटल। तो लायबिलिटी बढ़ रही क्या घट रही? बढ़ रही। क्रेडिट तो एंट्री क्या होगी? परचेज टू कैपिटल 10,000। ओके, कोई भी डाउट बेटा इसमें? परचेज गुड्स ऑफ 10,000 एंड अमाउंट पेड बाय श्याम फ्रेंड ऑफ प्रोप्राइटर, जिसको हम बाद में देगा बिजनेस वापस पैसा दे देगा, तो एक तरह से श्याम को क्रेडिट नहीं मान लो, बात ही खत्म ना। तो एक हो गया परचेस डेबिट, श्याम देना है कि आना है? बड़ी क्रेडिट। देखो ऐसे सॉल्व करने के बाद पता चलता है हमारा कॉन्सेप्ट का डीपनेस क्या है। एंट्री आपको आती होगी, अभी एक बार गलत होगा तो दूसरी बार रट के लिख दोगे, लेकिन कभी अचानक से अटपटी आ जाए तो इस तरह सॉल्व करना है। सिंपल है, पहले अकाउंट फाइंड करो, समझ में आई के बाद? चलो, पेड एक्सपेंस रुपीज 5 इन कैश, तो कैश अकाउंट तो है ही, एक एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस इज बड़ा हेड, इसके अंदर एंड नंबर ऑफ एक्सपेंस है, तो उसके जगह सिर्फ एक्सपेंस के जगह वर्ड सैलरी वेजेस अमोक अमोक सब आते जाए, एक्सपेंस की एंट्री सीख गए, बात खत्म। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू और एक कैश अकाउंट, एक्सपेंस बढ़ रहा है डेबिट, कैश असेट का आइटम है घट रहा है क्रेडिट, एक्सपेंस टू कैश। पेड एक्सपेंस और रुपीज फ्रॉम बैंक, वापस एक्सपेंस एक है, एक्सपेंस बढ़ रहा है डेबिट, और बैंक असेट का आइटम है, असेट घट रहा है क्रेडिट। चलिए, पेड एक्सपेंस 1,000 आउट ऑफ विच 300 बिलोंग्स टू पर्सनल एक्सपेंस ऑफ प्रोपराइटर, तो जब पर्सनल वर्ड आ गया, वापस मैंने आपको बोला एक तो एक्सपेंस फिक्स है, पर्सनल आते या तो ड्रॉइंग या तो कैपिटल, और हमारे खाते में से पैसा तो गया क्या नहीं गया? ठीक है, एक्सपेंस बढ़ रहा है डेबिट, ड्रॉइंग हमारा किसका आइटम है? लायबिलिटी कम रहा है क्या बढ़ रहा है? असेट का आइटम है कैश, कम हो रहा है क्या बढ़ रहा है? कम हो रहा है क्रेडिट, एक्सपेंस अकाउंट ड्रॉइंग अकाउंट टू कैश। अब देखो, अगर आपने एक्सपेंस में पूरा 1,000 डाल दिया होता तो क्या एंट्री पास करते आप? एक्सपेंस टू कैश 1,000 रुपए की एंट्री कर चुके हो, अब क्या करोगे? एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन नहीं, गलत नहीं किए, एक बार का हमने एक्सपेंस में डाल दिया उसको, फिर पता चल रहा है वो चीज पर्सनल है। हाँ, रेक्टिफिकेशन बोलो भले आपके दिमाग में, ड्रॉइंग टू एक्सपेंस, ड्रॉइंग 300 और एक्सपेंस 300 काम कर देंगे, तो जब ड्रॉइंग टू एक्सपेंस करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा क्या घटेगा? मैंने कल क्या बोला था, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एक्सपेंस इनकम का आइटम है किधर? ड्रॉइंग टू एक्सपेंस में एक्सपेंस और इनकम का आइटम है किधर? डेबिट में क्या क्रेडिट में? ड्रॉइंग टू एक्सपेंस में एक्सपेंस और एक्सपेंस और इनकम का आइटम है किधर? अरे ड्रॉइंग टू एक्सपेंस में एक्सपेंस किधर है? किधर है? तो आइटम अगर क्रेडिट में है तो प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। समझ में आए? ओके, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रुपीज 10,000, अब एक्सपेंस भी है और आउटस्टैंडिंग भी है, एक्सपेंस भी है और आउटस्टैंडिंग भी है, दिया या नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं, देखो एक्सपेंस कैश में भी हो सकता है, बाद में भी दे सकते, तो एक अकाउंट हुआ एक्सपेंस और दूसरा हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस एक्सपेंस का आइटम है बढ़ रहा है डेबिट, आउटस्टैंडिंग आना है क्या देना है? देना है। किसका आइटम हुआ? लायबिलिटी, बढ़ रही क्या घट रही? क्या करोगे? डेबिट।
तो एक्सपेंस टू, तो कौन बोला पेड़? पेड़ है ही नहीं, तभी तो कैश बोला। तो पेड़ कौन बोला? अरे होल्ड क्यों करता है अभी मेरे को बता, फाइनल अकाउंट में क्या होल्ड करता है? इसको क्या करता है? और तो मैं क्या किया हूं? यही बात है रे, तुम डायरेक्ट फाइनल अकाउंट का इंपैक्ट तो सीख गए, एंट्री नहीं सीखे। डेबिट मतलब उस एक्सपेंस में बढ़ा रहे हो ना, तो एक्सपेंस ही तो बढ़ा रहा हूं मैं भी। अल्टीमेटली एक्सपेंस वापस किधर जाने वाला है? समझ में आ रही है क्या बात? होल्ड कैसा क्या? पेड वगैरह कुछ नहीं बोला। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? नहीं दिया। और आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है? ड्यू हो चुका है लेकिन नहीं दिया। तो मैंने आपको अक्रूअल बेसिस में क्या बोला है? ड्यू हो गया है ना, चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंस हो, ड्यू हो गई तो दिखाओ, दिया या नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, पेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट कौन सा है? पेड बोलते हैं तो कैश तो फिक्स हो गया और आउटस्टैंडिंग। अब इधर एक्सपेंस मत लिखना, एक ही एक्सपेंस की दो बार एंट्री नहीं होगी। अगर वापस एक्सपेंस लिखोगे तो डबल एंट्री कर दी, जबकि एक खर्चे की एंट्री एक ही बार होती है। और जबकि आपने पे क्या किया है? जो बाकी था वो चीज पे की, जो बाकी था वो आपने पे किया है। क्या पे किया है आपने? जो बाकी था वो पे किया है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी का आइटम है, बढ़ रहा है क्या घट रहा है? कम हो रहा है। डेबिट असेट का आइटम है, बढ़ रहा है क्या घट रहा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू कैश। ओवरऑल क्लियर हुआ है? किसका किसका गलत है ये? बिजनेस का खर्चा पेड बाय पांडू। अरे भाई पांडू क्या तुम्हारा मामा चाहो चाचा क्या लग के गए? तो वो क्यों भरेगा? सिंपल है, उसने दिया उसको वापस देना है। तो एक तो एक्सपेंस है, बढ़ रहा है डेबिट, और पांडू को देना बाकी है, लायबिलिटी का आइटम है, बढ़ रहा है क्रेडिट। तो एक्सपेंस टू पांडू। प्रीपेड एक्सपेंस 400, एक अकाउंट है एक्सपेंस और दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंस, एक है एक्सपेंस और दूसरा है प्रीपेड। प्रीपेड मतलब क्या? पेड इन एडवांस नॉट यट ड्यू। किसका आइटम है? बढ़ रहा है घट रहा है? एक्सपेंस इस साल का है या नहीं है, ये क्या करना पड़ेगा? कम, तो क्या होगा? क्रेडिट। एंट्री क्या आएगी? प्रीपेड टू एक्सपेंस, प्रीपेड टू एक्सपेंस। कितना? प्रीपेड टू एक्सपेंस, बरोबर है क्या रे? ये किया ये जो प्रीपेड वगैरह होते हैं ना, ये हम स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते, ईयर एंड पे आने के बाद देखते हैं क्या प्रीपेड है क्या आउटस्टैंडिंग है। समझ में आया क्या? ये ध्यान रखो, तभी तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार का क्या है, प्रॉपर रिकॉर्ड करो, कैश गया एक्सपेंस में डालो और विषय क्लोज करो। एंड में पता चला ये प्रीपेड है तो एक्सपेंस से निकाल दिया और प्रीपेड में डाल दिया। प्रीपेड एक्सपेंस रुपीज 400 बोला है ना मैंने, कैश का जिक्र कहां कर रहा हूं मैं? पहले दिया होगा, कब दिया अपने को क्या पता, अभी बोल रहे हैं प्रीपेड है एक्सपेंस 400 का। अब जैसे ही ये सपोज नेक्स्ट ईयर में आएगी तो इसकी एंट्री उल्टी, एक्सपेंस टू प्रीपेड, मतलब इसकी, क्योंकि वो उस साल का एक्सपेंस है और असेट अब नहीं है। इनकम रिसीव्ड इन कैश, एक तो कैश और दूसरा इनकम। इनकम बढ़ रही है क्या घट रही? क्रेडिट। असेट बढ़ रहा है क्या घट रहा है? डेबिट। 5,000 ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। इनकम आउटस्टैंडिंग वापस, एक तो इनकम तो है ही और दूसरा आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम, देखो आउटस्टैंडिंग या तो असेट में आता है या तो लायबिलिटी में। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग आना है क्या देना है? आना है, असेट का आइटम है, बढ़ रहा है डेबिट। असेट का आइटम है, बढ़ रहा है डेबिट। असेट का आइटम है, बढ़ रहा है इनकम, बढ़ रही है
क्रेडिट, इनकम बढ़ रही है क्रेडिट 5000, 5000। क्लियर, कोई डाउट किसी को भी? 20 इनकम रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 4000 इनकम एडवांस में मिली है। तो वापस एक इनकम है और एक रिसीव्ड इन एडवांस बोलो या प्री रिसीव्ड बोलो। प्री रिसीव्ड चीज आपके लिए एसेट होती है, लायबिलिटी। बोला आपको मैंने एक्स्ट्रा मिलता है, लायबिलिटी एक्स्ट्रा दिए हो एसेट। जब भी कुछ पहले मिलता है वो आपके लिए हमेशा लायबिलिटी है, बढ़ रही है क्रेडिट। प्री रिसीव्ड है मतलब वो इनकम इस साल की नहीं है, घट रही है डेबिट। तो इनकम टू प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम टू रिसीव्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड इनकम। और जैसे ही ये इनकम ड्यू हो जाएगी एंट्री उल्टी, प्री रिसीव्ड टू इनकम। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, वापस गुड्स आते ही एक अकाउंट तो परचेस, और आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल भी लिख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हो। परचेज बोलते हैं असेट, बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। देख इधर भी आता फिर वापस, समझ में आ रहा है? समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का आइटम है, बढ़ रहा है डेबिट। तो एडवर्टाइजमेंट टू परचेस, एडवर्टाइजमेंट टू परचेस। देखो होता है बहुत से बार 11 12th में गुड्स अकाउंट भी यूज करने बोलते हैं, डिपेंड, लेकिन हम परचेस और सेल मानते हैं गुड्स के लिए अकाउंट। कौन सा मानते हैं? तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, एक गुड्स और बाय फायर, एक लॉस बाय फायर, एक फायदा मतलब एक्सपेंस या इनकम? एक्सपेंस लॉस का ही आइटम है, बढ़ रहा है डेबिट, और गुड्स बोले तो असेट, बढ़ रहा है घट रहा है? क्या करता है इधर? नहीं नहीं तेरे उस वर्ड से, लॉस बाय फायर टू परचेस, लॉस बाय फायर टू परचेस। चलो यहां तक कोई डाउट? सेवन, लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर, पहला अकाउंट, जब भी फायर हो हाथों हाथ देखो गुड्स इंश्योर है या नहीं। तो इस केस में इंश्योरेंस है, और इंश्योरेंस का पैसा अभी तक आया नहीं है, इंश्योरेंस का पैसा अभी तक आया नहीं है, यही हम मानते। तो एक है लॉस बाय फायर, एक्सपेंस बढ़ रहा है डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम मतलब कंपनी, आना या देना है पैसा मतलब असेट, बढ़ रहा है डेबिट, और परचेस असेट का है, बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है क्रेडिट। तो देखिए टोटल गुड्स का जो नुकसान हुआ वो गुड्स में लिखो कितना, उसमें से कंपनी कितना दे रही है आपको, तो आपका नुकसान 2000। समझो क्या ये एंट्री? गुड्स लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी दे रही है 8000, होता ऐसा नहीं है, बस एक पॉइंट डाल दिया अपन ने। लॉस बाय फायर अकाउंट आएगा ही नहीं, क्योंकि लॉस हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। इंश्योरेंस क्लियर, एसेट का आइटम है, बढ़ रहा है डेबिट, परचेस एसेट का आइटम है, घट रहा है क्रेडिट, और पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट हो रहा है मतलब इनकम बढ़ रही है क्रेडिट। 7000 के गुड्स जले, इंश्योरेंस देने वाली है 8000, तो 1000 हमारे को क्या हुआ? क्या हुआ बेटा यहां तक सबका सही? कोई डाउट इसमें? चलिए परचेस अकाउंट है, परचेस गुड्स फ्रॉम राम वे रिटर्न टू हिम, वापस हमने परचेस किए थे गुड्स, क्या कर दिए उसको? गुड्स सोल्ड बाय श्याम ऑफ रुपीज 1000, गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑफ रुपीज 1000 वेर रिटर्न बैक। तो सेल है
हाँ, आपका एक काम है जो होमवर्क बता रहा हूं मैं आपको, ट्रांजैक्शन नंबर एक से लेके ट्रांजैक्शन नंबर 10 तक, 11 तक, एक से लेके 11 तक, परचेज गुड्स की जगह लिखने का है सोल्ड गुड्स, और इस एंट्री को सबको सेल के थ्रू करना है। समझ में आया? सारे एंट्री को सेल के थ्रू करना है। ओके, फ्रॉम राम के जगह टू राम हो जाएगा। चलिए, हाँ, सेल्स परचेज के जगह सेल हो जाएगा। अकाउंट गुड सोल्ड टू श्याम वे रिटर्न बैक, तो जब रिटर्न बैक होता है बेचा हुआ माल, तो उसके लिए सेल, बेचा हुआ मतलब सेल, रिटर्न मतलब सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, जो भी लिखो आप, सेल रिटर्न की जगह रिटर्न इनवर्ड, वापस आया तो सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, वापस गुड्स है असेट या असेट, गुड्स वापस आ रहे हैं, मतलब बढ़ रहा है क्या घट रहा है? डेबिट। हमारा श्याम को पैसा आने वाला था क्या देने वाले थे? आने वाला था असेट, लेकिन ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि अब वो नहीं देगा, उतने रुपए नहीं देगा, तो कम हो रहा है हमारा डेटर, क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या आएगा? सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड टू श्याम, गुड्स परचेस फ्रॉम राम वेयर रिटर्न बैक टू, आपने जो परचेस किया था वो रिटर्न कर दिया, तो परचेस रिटर्न, जो आपने परचेस किया था वो क्या हो गया? रिटर्न, जो परचेस किया था वो क्या हो गया? पहला अकाउंट राम, किसका आइटम है? असेट या आना है क्या? देना था, देना लायबिलिटी, बढ़ रही का घट रही? डेबिट, बरोबर। दूसरा परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, असेट का आइटम है, गुड्स आ रहा है क्या जा रहा है? जा रहा है, कम हो रहा है, वापस दे रहे हो ना, एंट्री होगी राम टू परचेज रिटर्न, बरोबर है क्या सबकी? विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, एक अकाउंट आएगा ड्रॉइंग या फिर कैपिटल, ड्रॉइंग या फिर कैपिटल, दूसरा अकाउंट आएगा कैपिटल, लायबिलिटी का आइटम है बढ़त है या घटत है, और बैंक असेट का आइटम है बढ़त है या घटत है? घटत है, बैंक से पैसा क्या हो रहा है रे, धोखा आएगा नहीं तेरे को, अरे बढ़ता है बोलता है वे? चलो ठीक है, आई दिमाग में बात? ड्रॉइंग टू बैंक या कैपिटल टू बैंक, यहां तक सब सही? 28, 29, 30 किसने किसने किया है? किसने किसने ट्राई किया है? देखो, हाँ बोल, वो एंट्री करनी नहीं थी, सिर्फ किसकी एंट्री पूछा है आपको मैंने, फाइंड द आउटस्टैंडिंग इनकम फॉर द ईयर एंड पास एंट्री फॉर द सेम, सिर्फ आउटस्टैंडिंग की करनी थी, इन्वेस्टमेंट टू बैंक नहीं चाहिए मेरे को, नहीं सर, ठीक है ना, आपने पास की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट टू बैंक कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, वो भी दो बार हो गए, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, ठीक है। अब देखो, इन्वेस्टमेंट पे ब्याज मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, अब देखो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट निकालना है क्या नहीं निकालना है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट निकालना है क्या सबसे पहले आपको? हाँ, क्योंकि इन्होंने बोला है आउटस्टैंडिंग कितना है उसकी एंट्री पास करो,
आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री क्या होती है? अभी ऊपर किए हो, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम तो कर चुके हो, एंट्री तो आ चुकी है, तो हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बात फिगर फाइंड करने की। इन्वेस्टमेंट परचेस किया, परचेस वर्ड तो यूज होगा नहीं, इन्वेस्टमेंट टू बैंक होगा। कब परचेस किया? 1/4 कितना? ठीक है, 1/4 19 से लेके 31/12 12 महीने हो गए, 12 months। ठीक है, कितने महीने हुए? 12 months। 50,000 पे रेट क्या है? इंटू 12/12, तो इसकी जगह लिखने की गरज ही नहीं। कितना हुआ ये? 1 इन्वेस्टमेंट आपने परचेस किया और 1 अक्टूबर से 31/3/20 बरोबर, 1 अक्टूबर को ही लिया ना, कितने महीने हो रहे ये? तो इस पे ब्याज कितने महीने का लेना है? 6। बात एक ही, कितना आएगा? तो टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए? इतना इस साल का इनकम है, कितना? 6,000। कितना इनकम है इस साल का? 6,000। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन है कितना मिल चुका है, यानी ऑलरेडी रिसीव्ड। अब देखो, इंटरेस्ट आपको मिला है 3,000, लेकिन 1,000 तो किसी और से मिला है, 1,000 तो किसी और से मिला है, इंटरेस्ट पे तो मिला नहीं है, किसी और ने भी दे सकता है कि नहीं? अगर मुझे देखना है, मेरे को आपसे कितना आना है, पूरे क्लास से आपको क्या मतलब है? आपका तो आपको देखना है, तो यहां पे इंटरेस्ट का पूछा है, तो इंटरेस्ट से 3,000 नहीं आया है, इंटरेस्ट आया है 3,000, इन्वेस्टमेंट पे 3 नहीं आया है, 1,000 किसी और का है, 1,000 तो इन्वेस्टमेंट पे कितना आया, इसका मतलब है वो 1,000 डेटर से आया है, क्योंकि आपने, हो सकता है डेटर ने आपको पेमेंट लेट किया हो, डेटर ने आपको पेमेंट लेट किया हो, तो ये हो गया 4,000 आउटस्टैंडिंग। कितना हुआ? एंट्री ऑलरेडी पहले ही बता दी थी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आना बाकी है, अकाउंट डेबिट 4,000 टू इंटरेस्ट 4,000, ये आउटस्टैंडिंग की एंट्री, इतना ही पूछा था, समझ में आया? ठीक है, इतना ही पूछा था, इन्वेस्टमेंट टू बैंक पूछा नहीं था, नहीं तो आप कर लेते 2 बार 50 और 20। और एक इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री होती है बैंक टू इंटरेस्ट 3,000, 2,000 भी आएगा। इंटरेस्ट जो हम P&L में लिखने वाले हैं, हमारा टोटल एक्सपेंस कितना है? 6,000 तो इस पे और वो 1,000, तो हमारी इनकम टोटल इतनी है, 7,000 है। अगर देखने जाए तो इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से 1,000 बस इन्वेस्टमेंट पे नहीं है, इनकम में तो आएगा ना, सब हेड बहुत सारे होते हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम इसका, इंटरेस्ट फ्रॉम उसका, इंटरेस्ट फ्रॉम उसका, तो होगा तो वो इनकम में, तो इनकम में तो दिखाएंगे, बस हमें अलग क्यों करना था सिर्फ ये, इस पे कितना बाकी है। सेम यही था इस वाले आपके 29 में भी, लोन एज ऑन 1 अप्रैल 19 50 का है, और एक लोन लिया आपने 20, तो इस पे तो 1% का इंटरेस्ट नहीं, 0 days हुए, एट द रेट 12 इंटरेस्ट आपने टोटल भरा, उसमें से आपने लोन पे कितना भरा है, तो ऑलरेडी पेड कितना है?
तीन ही है, साढ़े चार नहीं है, कितना है? तीन है। सेम क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। अभी तो मैंने आपको लाइन बोली है, हो सकता है आपको लोन अकाउंट दे, उसमें एक बताएंगे 1 अप्रैल को, एक बताएंगे 31 को, तो आपको पता चलना चाहिए किस पे कितने दिन का है। फिर ऐसे लाइन आएगी, इंटरेस्ट रिप्रेजेंट 3000 पेड ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। तो देखो वापस वही बात, सेम यही फॉर्मेट। देखो ये कैलकुलेशन आप ओरल कर सकते हो, मैंने तो इधर बताई, बाकी ये आप ओरल भी कर सकते हो, डायरेक्ट फास्ट फास्ट भी कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन लोन, वापस पहला लोन कितने का है? 50,000, उसमें से 12% पूरा 12 महीने का, दूसरे वाले पे तो कुछ भी नहीं है, लेस ऑलरेडी पेड 3,000। लोन पे कितना पे किया आपने? 3, तो कितना आएगा आउटस्टैंडिंग? 3। तो एंट्री क्या आएगी? इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, देना बाकी है कितना? हाँ, आपका पूरा एक्सपेंस कितना है इस साल का? 4,500 प्लस, सॉरी 6,000 प्लस 1,500, वो 1,500 भी आपका एक्सपेंस ही इंटरेस्ट का, बस वो अलग क्यों किया? ये 3,000 निकालने के लिए कि भाई इस पे कितना। देखो अब मेरे को फीस आनी है टोटल, सपोज करो 10,000 एक बच्चे से, ठीक है, किसी से आनी है 15, ए से आनी है 10, बी से आनी है 15 और सी से आनी है 20, टोटल अपनी फीस है 30, आना कितना बाकी है 45। बात अगर एक ही है तो ए से सिर्फ एक का देखना पड़ेगा ना, यानी ए ने दे दिया कितना है 20, तभी तो 10 बाकी है। पूरा एक्सपेंस, पूरी इनकम है मेरी, मेरे लिए तो पूरी क्या है वो इनकम है, बस किससे कितना है वो निकालने के लिए इंपॉर्टेंट होता है बाइफर। चलो ये भी समझो, द लास्ट एडजस्टमेंट बहुत अच्छी है, बहुत सयानी है, ठीक है। देखो फर्म पेड इंश्योरेंस 50,000, इंश्योरेंस फर्म ने भरा एंट्री, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू, किसी को भी ये एंट्री नहीं आई ऐसा कोई है क्या? एक्सपेंस का आइटम है बढ़ रहा है डेबिट, असेट का आइटम है घट रहा है क्रेडिट, एक्सपेंस टू बैंक 40,000 पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस ऑफ प्रोपराइटर। अब मैंने इसमें दिखा दिया है, जबकि दिखाना चाहिए था या नहीं? तो इंश्योरेंस को कम करना पड़ेगा कितना, और किधर जाएगा? समझ में आई बात? होना नहीं चाहिए ना, पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस में थोड़ी आएगा, जबकि पहले स्टार्टिंग में तो एंट्री ये पास कर दी, बिजनेस में डाल दिया, पता चला नहीं है तो क्या करना है? हटाना है। आगे क्या बोला है? और बचा हुआ 10,000 जो है वो कब से कब तक है? 1 जुलाई से। तो जो बचा हुआ है उसमें टोटल 12 महीने हैं, 9 अभी वाले में है, 3 प्रीपेड है, 3 क्या है? प्रीपेड, और 9 अभी वाला है। तो थर्ड एंट्री में देखो हमारा एक प्रीपेड भी है, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो देखो 9 महीने इस साल होने चाहिए, 3 महीने वाला इस साल में होना नहीं चाहिए, तो वापस इंश्योरेंस क्या होगा? कम होगा, तो एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट। तो बचावा कितना है? 10,000, 10 ही है ना? हाँ, 10 में से 7.5 इधर, 2,500 इधर, तो ये एंट्री हो गई 2,500। समझ में आए? प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। अगर हम एडलेस की भाषा में करें तो इंश्योरेंस आपने दिखा दिया कितना, 50,000, फिर माइनस ड्राइंग कितना, 40,000,
क्योंकि कम करना है। माइनस प्रीपेड कितना 2500, आउटर में आ रहा है सात, तो इस साल का कितना है सात, तो इस साल हमें पी एंड एल में कितना दिखाने का है। चलो लिख के ले लो, जिसका नहीं लिखा हुआ है ये लिखने का है क्या, क्या आ गया है सबका, ये वाला लोन वाला इंटरेस्ट वाला दोनों हो गया क्या, तो ये लो। समझ में आयो, क्लियर हुआ? हाँ, तीन एंट्री, अभी सिर्फ एडजस्टमेंट बोला होता तब तो हम ये दो ही करते, कुछ नहीं बोला है तो हमने तीनों ट्राई कर ली, होनी तो सब है। पीछे वाले में ऐसा था, उन्होंने उतना ही पूछा था, होनी तो सबकी एंट्री है बुक्स में, ऐसा है कि पहले हो चुकी, हमें जितना पूछा था हम उतना ही करेंगे, बाकी हर चीज के डबल इफेक्ट भी होंगे, हर चीज की एंट्री होगी, लेकिन अगर पूछा नहीं है मतलब वो चीज हो चुकी है ऐसा हम मानेंगे। समझ में आया, हर चीज के दो इफेक्ट होते हैं, हर चीज के दो इफेक्ट होते हैं। समझ में आएगी, क्लियर हुआ पूरा शीट के क्वेश्चंस? ऐसे और भी हम कल करेंगे एक्स्ट्रा, यही है तीन चार दिन फिर आपके बुक्स में उतर जाएंगे। चलिए, तो आज का लेक्चर हम एंड।